सोचा कि कुछ बातें आप लोगों के साथ करनी थी। सबसे पहली बात तो ये, मेरी आजकल एक वीडियो बहुत वायरल चल रही है स्नैपचैट से रिलेटेड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि स्नैपचैट पे अर्निंग का किस तरह आता है। और गाइस ये पता क्या बोल रही, कह रही कश्यप तुम ना व्लॉगर हो, कह रही तुम व्लॉगर हो। चलो भाई बेइज्जती हो गई है तुम। कश्यप तुम व्लॉगर हो, तुम आ जाओ। अतूफा इब्राहिम के शादी के लिए ड्रेस लेने, और फाइनली मेरे मियाँ आ गए हैं। बाजार का खुला है, पूछो बोला अभी ये ले ले, 20 रुपए बाद में ले लिए। तुम बोलो मुझे, 20 रुपए बाद में ले लिएगा। 20 रुपए 50 का पापड़ ले लिया। बोलो तो हम लोग आ गए बुटीक में, लेकिन नबीहा को ब्राइडल ड्रेस चाहिए। मतलब मैं अतीफा की शादी में ब्राइडल नहीं बोला मैंने, को इसने क्या बोला, क्या चाहिए? मैंने फॉर्मल बोला, गलत सुना। एक मिनट क्या बोला इसने? मैंने भी नहीं सुना। बस इसने बोला ब्राइडल चाहिए, मैंने को ब्राइडल नहीं चाहिए। मैंने उनको ये बोला कि हमें ब्राइडल नहीं। आपके फ्राइज कट गए, तुम अपना व्लॉग मत करो। मैं हर दफा बोलती है कि मैं आपके लिए बना के जाऊंगी, मुझे आती है खाली यार, फिर मैं भूल गई। मुझे ड्रेस पसंद आ गया और अभी मैं ट्राई करूंगी, ट्राई करने के बाद आप लोग को बताऊंगी। ड्रेसेस तो इनके पास बहुत अच्छे अच्छे बट बहुत ज़्यादा हैवी हैवी ड्रेसेस हैं, आप लोग को दिखा देती हूँ। देखें मैंने ड्रेस पसंद किया है, वो सिंपल है और वो बारात के साथ ही मैंने लिया। वली में का भी मेरा लाइट है, बारात का भी मैंने लाइट ही ले लिया, मतलब कलर लाइट है। ड्रेस तो हैवी है वली में का, सो लेट्स सी कैसी लगती हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोरियन चीज़ें मिलती हैं, और चुपा चुप वहाँ पे हम, मतलब हमने सिर्फ वीडियोस में ही देखा था, वहाँ पे चुपा चुप एंड ऑल, मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। अब जब मैं वहाँ पे जाऊँगी ना, तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, और वहाँ पे सारी जो जो चीज़ें हमें पसंद है वहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो मेरा और नबिया का यही प्लान बना था कि हम लोग साथ में चलते हैं और हम लोग वहाँ पे जाके ट्राई करते हैं। लेकिन मैंने ट्राई किया हुआ। तुमने ट्राई कब किया? 7-Eleven। हाँ, ये तो कैसा होता है? मतलब बहुत ज़्यादा वाव नहीं है लेकिन अच्छा है, बस उसकी हाइप ज़्यादा है। हाइप ज़्यादा लेकिन अच्छा भी है, वो टेस्ट पर डिपेंड करता है। जी जैसे हम अपने नॉर्मली खाने में सारी चीजें और सब बुलडॉग और बाकी सब चीजें तो खाई नहीं है। वो तो खाई नहीं। बुलडॉग क्या बोला आपने? थोड़ा सा दूर है और ये हैबिट सिटी में बना है, सो देखते हैं कि ये टेस्ट में कैसा होगा। तो आज फुल रिव्यू मिलने वाला आप लोगों को। आ गए हैं, ये ऊपर चाय चाट बना हुआ है और ये मार्केट है और ये हैबिट की मार्केट है। इसके अंदर सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो गाइस हमें ना कोरियन चीज़ें मिल गई, हम बिल्लियों की तरह मक्खियों की तरह भाग रहे हैं। ओ वहाँ पे ऑलरेडी इतना रश हो गया, मतलब लोग तड़प रहे हैं खाने के लिए, तड़प रहे हैं। तो जाहिर सी बात है लोग पहली बार ट्राई कर रहे हैं। चलो भाई बेइज्जती हो गई है तुम। कश्यप तुम व्लॉगर हो, तुम आ जाओ। नहीं सॉरी, खा लो कॉर्न। चल तुम आ जाओ।
अच्छा ड्रिंक ड्रिंक ले लो। हां लो लो ना भैया लो, बेइज्जती तो हो गई है तुम्हारी ऑलरेडी। जीत भूख लग रही है ऊपर से यार, इतनी खुशबू में साथ के मैंने बहुत बुरे रिव्यू सुने। अच्छे भी सुने, ऐसे नहीं फेंकते नीचे भाई। अरे गलती से गिर को बहुत गुस्सा आता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारी चीजें ना आप लोग बाहर से खरीद के ना घर पे बना के खा लो। यहाँ पे सिर्फ सारे बर्गर बच्चे दावे हम जैसे नहीं जा सकते। है ना, सबके यही रिव्यूज है ना, यहाँ पे सिर्फ बर्गर बच्चे जा सकते हैं। हम देखो लड़की भी बोल रही है, सबके यही रिव्यूज है यहाँ पे। आगे वो कोरियन के कल्चर फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको BTS बहुत पसंद है। हाँ। और ज्यादातर यहाँ पे वो LGBT वाले आ रहे हैं। LGBT कॉफी पियो और भूख मार लो, क्योंकि डिसाइड नहीं कर रहे। मैं कह रही हूँ यहाँ तो वो हॉटपॉट चल रहे थे, ये देखें ये बना हुआ हॉटपॉट, ये रहा ये हॉटपॉट है। मैं कह रही हूँ यहाँ तो फिर यहाँ नैंडोस चल लो, क्योंकि जेंडर्स में तो वेटिंग है, तो मेरा दिल है हॉटपॉट चलते चलो। परसों ही खाया, बस कर दो हॉटपॉट चलते हैं ना। नया चुपा चुपी पिलाई तो रहा था मैं, और कितना नया खाया 2500 की चुपा चुपी। लाइन में आगे रेस्टोरेंट है ना जो गाइस, कल आपको मैंने 2500 की ड्रिंक पिलाई, एक ड्रिंक 2500। फाइनली भाई फाइनली अल्लाह राही, अब हमारा डिसाइड हुआ इतनी देर बाद कि अब हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। भाई लारिफ जल्दी से जो भी मंगा रहे हैं जल्दी मंगाए, बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार। दिखाएं स्क्वीज मी, स्क्वीज दबाओ, मतलब होता है मुझे दबाओ, मुझे दबाओ। आपकी स्पेशलिटी बताएं, कुछ अच्छा बताएं खाने के लिए, कुछ मजेदार सा। सऊदी में हम कहाँ कहाँ खाना खाने जाते थे, कितना मजा आता था, अकेले निकलते थे। और हमने वहाँ सिरका भी चल रहा है, हमने वहाँ पे मंदी मंडी है, मंडी मंदी मंडी है, मंदी मंडी है, वहाँ की मंडी का टेस्ट ही अलग है भाई, जायका ही अलग है। ओरिजिनल गोश्त ही कोई और है, वो वहाँ की गोश्त कोई और है, वो हम खाते थे और वो मेल्ट तो जा रहा था, इससे मजे का होता था। समझ आ गया आपको, बस अब अच्छी बात है। तो भैया हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, और अब देखते हैं कि खाना जब आएगा तो वो टेस्ट में कैसा है। सामने वाली टेबल पे ना कुछ लोग ना वो खा रहे हैं रोश, अल्लाह राही रोश, बस अल्लाह पाक उनके पेट में दर्द ना कर। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, क्योंकि पता नहीं क्यों नज़र पड़ गई थी और वो इतना मज़े का लग रहा था। लेकिन खैर अभी हमारा खाना आ जाएगा तो हम भी पेट भर के खाना खा लेंगे, क्योंकि भूख बहुत लग रही है, क्योंकि जो हम कोरियन के चक्कर में ख्वार हुए ना, अगर जो बर्गर्स हैं वो आगे खा सकते हैं। आई एम टू हंग्री, आई एम वेरी वेरी हंग्री। वेलकम सलाम, मैं ठीक, आप बताएं। ले लें पिक्चर, ये क्या है लारिफ। फाइनली हमारा खाना आ गया, और इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना कि मैं व्लॉग ना लारिफ के फ़ोन से बना रही हूँ, और स्नैप अपने फ़ोन से बनाऊंगी, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ करनी है मुझे। यार बहुत मज़े का कोई नाफा है लारिफ, वैसे बिल कर देते हैं अभी। अभी आना अतूफा की माइयों में मेहंदी में ना व्लॉग बना रही, अतूफा यू व्लॉग बना रही लारिफ मेरे। हाँ गाइस, अच्छा गाइस, हाँ गाइस, मैं आ गई हूँ मेहंदी के अंदर, और आप लोग देख सकते हो मतलब इसका सिर्फ सर नजर आ रहा था यहाँ से इतना। तो वो मैंने नहीं डाला था यार, तुमने खुद नोट किया था ऐसे, पता है तो नहीं डाला ना, मेरे साथ कभी बार हो जाता है ऐसा कि मेरी सिर्फ मुंडी ने चला। तो यू रखा करो ना, ऐसे ऐसे फोन बनाता है फोन, हमेशा यूँ होता है। खाना हमने पैक करवा लिया है, और अब हम लोग जा रहे हैं घर, और आज जा रहे हैं ना मेरे घर जाएंगे मेरे साथ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और वो घर नहीं गए हैं मेरे साथ। तो खैर खाना वाना जो हमारा था वो हमने पैक करवा लिया, क्योंकि खाना हमने 3 लोगों के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही मंगा लिया था, क्योंकि अल्लाह राही की जो क्वान्टिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा जो हमने फूड मंगाया था वो 3 पर्सन्स का था, और नहीं वो तकरीबन ज़्यादा पर्सन्स का था, और हम 3 थे, वो 6-7 लोगों का था। लेकिन इनकी डील है एक जिसमें 9 बंदे खा सकते हैं, और वो 18,000 की डील है, और हमारी 3 बंदों में 13,000 बन रहे, तो नॉट बैड एट ऑल है ना। सही है, जैसे खाना था तो उस हिसाब से तो नॉट बैड। लास्ट के तो एक्शन लोग खुलते
तो मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो हर वक्त? मैं तुमसे प्यार बहुत करती हूँ ना इसलिए। तो बस अभी हम लोग रास्ते में, मैं जल्दी से ड्राइव करा लूँ क्योंकि शाहरुख फैसल वाला रोड तो वैसे भी खुला ही होता है। तो अभी मैं शबाटो की तरह गाड़ी मंगाऊंगी, तुम टेंशन नहीं। मोबाइल रखा हुआ मेरे हाथ में, मैं मैप देख रही हूँ। अरे अब तो मुझे पता है, तो मैं आंखें बंद करके बैठा हूं। सो गाइस, खाना खाने के बाद मैं घर आ गई थी और आज के दिन मैंने पूरे दिन तो व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन हम खाना खाने गए थे तो थोड़ा बहुत खुआरी वाला व्लॉग बना रहे थे। अब हम लोग घर आ गए हैं। मम्मा ये बेडशीट ले आई हैं आप? नहीं जाऊंगी। क्यों? वो बकायदा मैं पूरा कंफ्यूज बनाऊंगी पूरा, आपको नहीं पता मैंने कुछ और सोचा है। और आज आयत मुझे इतना सुकून दे क्योंकि मैं ना आप लोगों को लफ्जों में बयान नहीं कर सकती कि आयत मुझे सुकून कितना दे रही है, मैं बता नहीं सकती। और आयत आज मेरी इतनी सेवा कर रही है, मेरे सर में आज आयत फुल तेल लगाएगी। तुमने नहीं बोला था मुझे याद आ गई कुछ दिनों पहले? यार मैं सोचती हूँ, पहले इतने गंदे गंदे व्लॉग्स बनाती थी मम्मा, और इतनी मोटी शक्ल, काली गर्दन, पिछले व्लॉग में ऐसा ही था मेरा। फनी बहुत थे, लेकिन फनी बहुत होते थे वो व्लॉग। लेकिन आयत अपना मुंह इतना छुपाती है, इतना छुपाती है क्योंकि मैं अब दूर से लोग, मैं क्यों छुपाऊंगी अल्ट्रा, तो फिर दूर से लोग ही तो मैं आऊंगी। हां ये लो बस। हां करीब से थोड़ा बस ला। अच्छा बस ये लो। और अभी भी मुंह छुपाई जा रही है, इतने गलत काम करने को किसने बोला? आदत नहीं है व्लॉग की हमें। अल्लाह ना करे। अब मैं सोच रही हूँ हमने बदबू जैसी बेटी पार्ट लिया, बनाया था हम कल पार्ट टू बना ले। आप लोगों का क्या कहना है पार्ट का? हमने तो कमेंट बदरी का जहाँ इंतजार कर रही होगी ना मम्मा, मैं कब आऊंगी? हाँ। सामान भिजवाया है मैंने, हॉटपॉट का, सॉसेजेस भिजवाए है ना, मोमोज देख के लाल टपक गई थी। तो गाइस अब हम लोग जो है ना, मैं घर आ गई थी, मैंने आप लोग को अपडेट दे दी थी कि मैं घर आ गई थी। और खैर अब जो है ना, सीन्स कुछ यूँ थे कि मैंने सोचा कि कुछ बातें आप लोगों के साथ करनी थी। सबसे पहली बात तो ये, मेरी आजकल एक वीडियो बहुत वायरल चल रही है स्नैपचैट से रिलेटेड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि स्नैपचैट पर अर्निंग का किस तरह आता है और उसका क्या प्रोसीजर है। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं लोगों को बताना नहीं चाह रही, क्योंकि लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं, ये मैसेज कर रहे हैं कि मैं बहुत मीन हूँ और मुझे वो फलाना ढिमाका ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे सच में नहीं पता क्योंकि मैं 5-6 साल से स्नैपचैट यूज़ कर रही हूँ और वो सारी चीज़ें मेरे सामने खुद आई थी और मुझे नहीं पता कि उसको किस तरह फॉर्म सबमिट करना था, सारी चीज़ें क्या करनी थी। और ये सब आजकल पाकिस्तान में एजेंसीज कर रही हैं, बट मुझे एजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मेरा सारा काम लारेब ने कर दिया था और मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था। बाकी मेरे इस काम के लिए स्नैपचैट कोई भी आपको टारगेट नहीं देता कि यूट्यूब की तरह आपको ये करना है, आपको वो करना है, फलाना करना है, दिमागा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं 6 साल से स्नैपचैट यूज़ कर रही हूँ और 6 साल से लगातार डेली की अपडेट्स मैं वहाँ देती थी। उसके बाद मैं दुबई गई, मैंने दुबई में भी वहाँ पर एक एक चीज़ की अपडेट दी। फिर मैं सऊदीया गई, सऊदीया में भी मैंने फुल दबा के अपडेट दी। मतलब मैंने शुरू से स्नैपचैट यूज़ किया है और मैं स्नैपचैट पे जो है वो एक्टिव रही हूँ। मैंने लारिफ को ये कहा है कि यार आप लोगों को बता दें किस तरह प्रोसीजर है स्नैपचैट का, क्या सीन है, क्योंकि एजेंसीज अब ये काम कर रही हैं और वो लोगों से 40-50% ले के ये काम कर रही हैं, या फिर उनका वॉलेट अपने पास रख लेती है और उनको उसमें से 60% देती हैं, 50% देती हैं, इस तरह एजेंसीज कर रही हैं। लेकिन स्नैपचैट पे अर्निंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, और आप स्नैपचैट पे अगर 5-6 साल से एक्टिव हैं और आप डेली बहुत ज़्यादा अपडेट्स दे रहे हैं तो ये वाला जो प्रोसीजर है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक स्नैपचैट आपके स्नैपचैट पे कर देता है। अगर आपने अपनी मेल डाला हुआ हो, अपनी सारी अपडेट दी हुई हो, तो ऑटोमेटिक ये सारा अपडेट आ जाता है, और मेरे साथ भी यही हुआ था। तो बाकी जितनी भी डिटेल है वो बाकी लारिफ जो प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे तो वो उसके अंदर बता देंगे। अच्छा, अतूफ़ा इब्राहिम से रिलेटेड भी कुछ बातें थी जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई उसकी मेहंदी में ये था वो था, आप उनसे क्यों नहीं मिली, आप उनसे क्यों नहीं मिली। भाई मेरी आदत ऐसी है शुरू से लेके आज तक कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा नरम है, और मैं इस तरह की, अगर मेरी किसी से बीमारी भी होती है या मेरी किसी से बात ख़राब भी होती है, तो अगर वो मेरे सामने आते हैं मैं उससे 100 बिस्मिल्लाह करके सलाम करती हूँ और बात करती हूँ, क्योंकि सलाम अल्लाह को जाता है, और मैं अपना दिल बिल्कुल साफ कर लेती हूँ, मैं पिछली बातों को बिल्कुल भूल जाती हूँ और मैं छोड़ देती हूँ। तो अगर मैं किसी से नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये है ना कि मुझे भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैंने अपनी शादी में सभी को बुलाया था और उन लोगों ने मुझे जवाब तक नहीं दिया, और उन लोगों ने मुझसे, मतलब जाहिर सी बात है भाई, सबका अपना है भाई, सब यहाँ पर हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपने अंदर थोड़ी सी चेंजिंग लानी चाहिए, क्योंकि मेरी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं भी
अपने आप को, और लारिफ को सारी चीज़ें नहीं पसंद। अब जैसे ब्लॉग के अंदर मेरी बहुत आदतें चेंज हो गई हैं। एक आदत ये कि मैं बहुत चीख चीख के फाड़ फाड़ के बोलती थी, क्योंकि ये चीज़ मुझे मेरे घर से मिली थी, मम्मा से मिली थी। तो लारिफ के साथ रहती हूँ, लारिफ के साथ घूमती हूँ, कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में बैठती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा चीख चीख के बात करती थी। आज जब मैंने फील किया, जब नबिया थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोली थी, मैं उसको नबिया आहिस्ता, नबिया आहिस्ता, पता नहीं क्यों, ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी आदत चेंज हो गई। तो मैं उसको भी बार बार टोक रही थी कि नबिया आहिस्ता बोलो यार। मुझे बाद में थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि यार मैं भी तो तेज़ बोलती थी, मैं भी, लेकिन मेरी बहुत सारी चीज़ें लारिफ ने मेरे अंदर से चेंज करनी स्टार्ट कर दी, और आधी चीज़ें चेंज हो भी गई हैं, और मुझे वो चीज़ें जो मेरी चेंज हुई हैं वो मुझे अच्छी लग रही हैं। क्योंकि मैं व्लॉग के अंदर पहले बहुत गला फाड़ फाड़ के चीखती थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखती थी, जो कि एक बुरी चीज़ थी, और लोग उसके बारे में गलत कमेंट भी कर रहे थे। और अब मुझे इतनी पॉजिटिव बातें आ रही हैं, इतने पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो यार, अगर मेरे अंदर चेंजेस आ भी रही है तो वो चेंजेस लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो खैर, मैं तुफा की बारात पर ड्रेस पसंद करने के लिए गई थी, मैं वहाँ पर प्रॉपर व्लॉग नहीं बना सकती थी, क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैं शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स ले रही हूँ। अब मैं बहुत बिज़ी हो गई हूँ, मैं अपनी चीज़ों में बिज़ी हो गई हूँ, 10 चीज़ें, तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रही। मेरे आगे पीछे करने वाला नहीं है, मेरे माँ बाप हैं, उनसे भी जितना हो रहा है वो कर रहे हैं। उसके अलावा मेरे पास ना ही कोई एजेंसीज़ हैं, ना ही मेरा काम संभालने वाली कोई लड़कियाँ हैं, ना कोई लड़के हैं। जो कर रही हूँ मैं खुद कर रही हूँ, क्योंकि मैं किसी के भी आश्रय पर नहीं हूँ, सारी चीज़ें मैं खुद कर रही हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर इंसान की पहली शादी होती है। मैं इतना ज़्यादा धूम धड़क्का नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपनी शादी चाहती हूँ कि अच्छे से ही करूँ।